दावे, गडकरी को धमकी देने वाले शख्स का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर जयेश कांथा है, बेलगावी जेल में कैद है गैंगस्टर जयेश कांथा, जिसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जेल से ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। जांच करने बेलगावी पहुंची है नागपुर पुलिस, ये अपडेट सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल से ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, जांच करने बेलगावी पहुंची है नागपुर पुलिस, ये धमकी देने वाला शख्स ख्यात गैंगस्टर जयेश कांथा है। और नागपुर पुलिस जांच के लिए बेलगावी पहुंची है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जेल से ही फोन पर जान से मारने की उसने धमकी दी थी, और इस मामले में अब नागपुर पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस शख्स को लेकर खुलासा हुआ है और ये शख्स कुख्यात गैंगस्टर जयेश कांथा है, और इसी मामले में जांच के लिए अब बेलगावी पहुंची है, क्योंकि ये गैंगस्टर बेलगावी जेल में बंद है। आपको बता दें कि इसने जो धमकी दी थी वो दफ्तर में ही बम से उड़ाने की धमकी दी थी। देर रात की खुलासा हुआ, नागपुर के सीपी अमितेश कुमार ने बताया कि गडकरी को कॉल करने वाला ये शख्स ख्यात गैंगस्टर है, जेल के अंदर ही अवैध रूप से फोन का इस्तेमाल कर उसने गडकरी के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी थी। जेल प्रशासन ने आरोपियों के पास से एक डायरी भी जब्त की है। नागपुर पुलिस की एक टीम जांच के लिए देर रात बेलगावी रवाना हुई। नागपुर पुलिस ने प्रोडक्शन रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।